बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर 26 मिलर एंड हार्ले जूलॉजी सर्कुलेशन एंड गैशियस एक्सचेंज में टॉपिक ब्लड प्रेशर और लिम्फेटिक सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले के तमाम लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं और इवन चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इवन मेरे ब्लॉग वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, कर दो ना यार, ठीक है, इतनी मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं। ओके, देखो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्लड को कि भाई ब्लड ट्रांसपोर्ट में उसका मेन रोल होता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है, तो बहुत सारे फंक्शन ब्लड परफॉर्म करता है। आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि उस ब्लड का प्रेशर कितना होता है। ओके, और ब्लड से अगर कोई चीज निकल जाए, कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन ग्लूकोज निकल जाए, तो वो कहाँ चली जाती है, लिम्फेटिक सिस्टम में चली जाती है। ओके, और फिर वहां से मतलब लार्ज पार्टिकल्स जैसे लिपिड्स वगैरह, तो वो कैसे उनकी मूवमेंट होती है, कैसे वो दोबारा हार्ट में आ जाते हैं, तो इस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं किससे, ब्लड प्रेशर से। ब्लड प्रेशर आपको पता है कि ब्लड का प्रेशर किस पे प्रेशर है भाई, उसकी आर्टरीज पे, उस मतलब ये कि जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है, ऐसा समझ लो कि जो जब आपका जो वेंट्रिकल्स है वो कंट्रैक्ट होते हैं, तो उसकी कंट्रैक्ट से ब्लड एक प्रेशर की मदद से आर्टरीज में जाता है, ठीक है। अब वो प्रेशर जो आपके ब्लड वेसल्स पे लगता है, उसको हम किसका नाम देते हैं, ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। ओके, चलिए यहाँ से पढ़ते हैं उसको। वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन जनरेट्स द फ्लूइड प्रेशर दैट फोर्सेस द ब्लड थ्रू द पल्मोनरी एंड द सिस्टेमिक सर्किट। ओके, देखो वो ये कह रहा है कि जब आपके वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं, तो उसकी कंट्रैक्शन से फ्लूइड प्रेशर जनरेट होता है। अब वो प्रेशर एक्चुअली क्या करता है, आपके ब्लड को पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्किट में लेके जाता है। पल्मोनरी सर्किट का मतलब ये है कि ब्लड की जो प्रेशर है वो टूवर्ड द आपके मतलब पल्मोनरी आर्टरी और फिर वहां से लंग्स की तरफ जाएगा, और सिस्टेमिक सर्किट में ये होता है कि वो ब्लड का प्रेशर आपके सिस्टम मतलब बॉडी की तरफ है। ओके, द फोर्स ऑफ ब्लड ऑन द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, एक्चुअली ये क्या है कि आपके ब्लड वेसल्स का जो इनर वॉल है उस पर जो प्रेशर पड़ती है वो क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है। ओके, कॉमनली रेफर्ड एज सिस्टेमिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब इसको हम सिस्टेमिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर क्यों कहते हैं, क्योंकि हम अब ब्लड प्रेशर को आर्टरीज में मेजर करते हैं, ठीक है, कि सिस्टेमिक का क्या मतलब है कि बॉडी ब्लड मतलब हमारे बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होती है, और ब्लड प्रेशर को मेजर कहाँ करते हैं, आर्टरीज में मेजर करते हैं, इस वजह से सिस्टेमिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर भी इसको कहते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर में मतलब यह है कि मैक्सिमम प्रेशर अचीव ड्यूरिंग द वेंट्रिकल कंट्रैक्शन। देखो आपको पता है कि आपके जैसे मतलब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं, उससे ब्लड आपके लंग्स और बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो जितने प्रेशर से मतलब जितनी प्रेशर वेंट्रिकल जितना मतलब प्रेस होगा, जितनी पावरफुल कंट्रैक्शन होगी, उतनी क्या होगी, प्रेशर जनरेट होगी, और वो प्रेशर किसकी, आर्टरीज की वाल पे जाएगी, और वो प्रेशर जो आर्टरीज की वाल पे लगती है, ठीक है, उस चीज को हम किसका नाम देते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। अब इसको हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी कहते हैं, क्योंकि इस दौरान वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो रहा है। ओके, अब ये सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 120 mmHg, मतलब ये कि मर्करी या यूसोफिन जो मीटर होता है जिसके अंदर मतलब प्रेशर ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, वो 120 mmHg मतलब वहां तक इसकी रीडिंग आती है। ओके, नेक्स्ट क्या चीज है, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, द लोएस्ट प्रेशर दैट रिमेन्स इन द आर्टरीज बिफोर द नेक्स्ट वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, मतलब एक दफा वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हुआ, ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मतलब वेंट्रिकल रिलैक्स की हालत में, और वहां पे जो ब्लड प्रेशर होगी उसको हम किसका नाम देंगे, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मतलब ये कि वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होने से पहले जो ब्लड प्रेशर है दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर, वेंट्रिकल के कंट्रैक्ट होने से पहले जो ब्लड प्रेशर है दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। अब इस ये कितना है, 80 mmHg है, तो इस तरीके से आपका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 122, आप ऐसे लिख सकते हो उसको कि 120 by 80 mmHg आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। ओके, अब नेक्स्ट है लिम्फेटिक सिस्टम। एक्चुअली लिम्फेटिक सिस्टम मिलकर बना है बहुत सारी कैपिलरीज से, कैपिलरीज मतलब वो है कि वो जो आपके टिश्यूज के साथ डायरेक्ट कंटेक्ट में होती हैं, ठीक है, इनका काम वही है, आगे भी हम इनके बहुत सारे फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है।
तो देखो लिम्फ कैपिलरीज आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सराउंडिंग द टिश्यू. देखो आपको पता है बहुत सारे टिश्यूज हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, उनको सराउंड करती हैं कैपिलरीज. अब वो कैपिलरीज एक्चुअली फिर वहां से, मतलब ये कि वहां से डिफरेंट फ्लूइड वाटर को ऑब्जर्व करने के काम आते हैं. जो भी मतलब वहां से सीप कर जाता है, मतलब बह जाता है या चला जाता है, उसको वापस वापस मतलब इकट्ठा किया जाता है. ठीक है, अब इसके फंक्शंस क्या हैं? देखो, कलेक्ट एंड ड्रेन मोस्ट ऑफ द फ्लूइड दैट सीप्स फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम एंड एक्युमुलेट्स द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. देखो, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत सारी चीजें चली जाती हैं, तो उन सारी चीजों को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है. ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज है, टू रिटर्न द स्मॉल पार्टिकल्स दैट लेफ्ट द सेल्स. ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो सेल से मतलब चली गई हैं, उनको वापस इकट्ठा किया जाता है. ठीक है, टू ट्रांसपोर्ट द लिपिड्स दैट हैव बीन अब्सॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. हमने ये पहले भी पढ़ा था कि भाई जो ग्लूकोज है, विटामिंस है, अमीनो एसिड है, सारी की सारी चीजों की अब्सॉर्प्शन होती है ब्लड में, लेकिन जो लिपिड्स है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, उनकी अब्सॉर्प्शन कहाँ नहीं होती, ब्लड वेसल्स में नहीं होती. तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई के अंदर मौजूद होते हैं लैक्टियल वेसल्स. अब उन लैक्टियल वेसल्स में लिपिड को अब्सॉर्ब किया जाता है. ओके, अब नेक्स्ट क्या है, टू ट्रांसपोर्ट द फॉरेन पार्टिकल्स एंड द सेल डेब्रिजेस टू द लिम्फ नोड. अब एक्चुअली लिम्फ नोड क्या है, वो कि नेचुरल डिस्पोज सेंटर है, मतलब यहाँ पे सारी चीजों को, डेंजरस चीजों को खत्म किया जाता है. तो इन सारी सेल फॉरेन पार्टिकल्स सेल डेब्रिजेस को लिम्फ नोड के पास भेज दिया जाता है. ठीक है, डेब्रिज. ओके, द स्मॉल कैपिलरीज दैट मर्ज टू फॉर्म. अब इसमें ये है, एक्चुअली हमने बात की थी लिम्फ कैपिलरीज की, स्मॉल कैपिलरीज हैं, वो ज्वाइन होती हैं, ज्वाइन होके मतलब उनको हम नाम किसका देते हैं, लिम्फैटिक्स. लिम्फैटिक्स क्या होती है, स्मॉल कैपिलरीज होती हैं जो ज्वाइन होके क्या बनाती हैं, लिम्फ वेसल्स बनाती हैं. ठीक है, अब ये लिम्फ वेसल्स क्या करती हैं, उसी फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, उस लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करती हैं टू द लिम्फ नोड्स. मैंने ये बात की है कि भाई लिम्फैटिक्स वो छोटी कैपिलरी होती हैं जिनके अंदर लिम्फ होता है. लिम्फ क्या होता है, वो फ्लूइड होता है जो कि आपने ये ऊपर पढ़ा कि वहां से ये चीजें कलेक्ट की हैं. ऐसे फ्लूइड को वो किस में भेजते हैं, लिम्फ वेसल्स में भेज देते हैं. अब लिम्फ वेसल्स से वही फ्लूइड जो लिम्फ होता है वो किसकी तरफ, लिम्फ नोड की तरफ जाता है, और लिम्फ नोड से दोबारा किस में चला जाता है, हार्ट की तरफ चला जाता है, और हार्ट फिर क्या करता है, उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. ओके, अब ये जो लिम्फैटिक सिस्टम है वो चंद लिम्फाइड ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है जो कि बर्ड्स और मैमल्स दोनों में है. ठीक है, अब स्प्लीन है, ब्रूसा फेब्रेशियस है, दैट इज इन बर्ड्स. ठीक है, और इसी तरीके से आप बात कर लो मैमल्स, मैमल्स के अंदर स्प्लीन भी होता है, इसी तरीके से थैमस ग्लैंड है, टॉन्सिल्स है, या एडिनाइड्स है. अब ये कहाँ पाए जाते हैं, ये मैमल्स के अंदर पाए जाते हैं. देखो, ये जो लिम्फैटिक सिस्टम है ये आपको पता है हार्ट अटैक और डिफरेंट जो डिजीज है उनसे भी मतलब ये कि आपको हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म में भी इन्वॉल्व होता है. ठीक है, चले मैं लिख लेता हूं कि इन्वॉल्व्ड इन डिफेंस मैकेनिज्म, इन्वॉल्व्ड इन डिफेंस मैकेनिज्म. ठीक है, कि ये डिफेंस मैकेनिज्म में भी इन्वॉल्व होता है. ओके, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो यार, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो. आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो आप वो भी कमेंट करो, और इस तरह के मजीद लेक्चर्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल फॉलो करो, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक इजाज़त चाहता हूँ. ओके, अल्लाह हाफिज़.